अमृतपाल खुद कह रहा है कि असी पूरी तरीके दे नाल उहदे नाल आ, उहदी चरीट नहीं आएगी, पूरी सिख कौम नाल आ। मैं जानना चाहता हाँ कि वह क्या सिखा का सर्वे सर्वा किवें हो गया, कोई इलैक्शन होए सी? और मैं अमृतपाल नूं अज कह देना चाहना कि अगर तेरी बेवफाना हरकतां इस तरह चलदियां रहियां तो याद रखी पंजाब का हिंदू कमजोर नहीं है। असी जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे टाइम भी लड़े सीगे और जे जरूरत पेगी तो इस टाइम भी लड़ांगे। 15 दिन पहला 20 दिन पहला और रोडा सी, बाल कटे हुए सी, ड्राइवरी कर रहा सीगा और अज आके ते सिख कौम का रहबर बन गया। मेरे शिवसेना हिंदुस्तान वालों चेतावनी है कि जे सिख कौम के नेता चुप रहे, साइलेंट रहे और अमृतपाल इसी तरह बेवफाना हरकतां करता रहा कि पंजाब तो बाहर बहुत गम और गुस्सा बनेगा। पंजाब का हिंदू भी नाराज है, पंजाब के हिंदुओं का भविख बाहरले सिखां दे हितां दे नाल जुड़िया होया। शिवसेना हिंदुस्तान वालों पंजाब दी कानून व्यवस्था अते शिवसेना लीडर सुधीर सूरी दे होए कतलकांड नूं लै के पटियाला दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती गई अते इस प्रेस वार्ता नूं संबोधन करदे होए शिवसेना हिंदुस्तान दे राष्ट्रीय प्रधान पवन गुप्ता ने कहा कि पंजाब दे विच कानून व्यवस्था पूरी तरह दे नाल डगमगा चुकी है, जिस दी ताजा मिसाल अमृतसर दे विच वेखण नूं मिली सी जदों शिवसेना लीडर सुधीर सूरी दा दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी, क्योंकि जिस व्यक्ति नूं इन्नी ज्यादा पुलिस सुरक्षा दिती गई होवे अते जिस दा नाम लिस्ट विच होवे उसनु भी सरकार अते पुलिस बचा नहीं पाई। जिस तरह सुधीर सूरी नु बहुत बड़ी सुरक्षा बलों दी पंजाब पुलिस दी मौजूदगी च मारिया गया, उहदा शिवसेना हिंदुस्तान कड़ी निंदा करदी है और यह समझते हैं कि पंजाब का जिहड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है हिंदू समाज उसनु इस गल का बड़ा खदशा होया कि एक व्यक्ति जिहड़ा टारगेट ते सीगा, निशाने ते सी, उहदी पुलिस सिक्योरिटी नहीं कर सकी, उत्थे गोली चली, उन्हें गोली मारी, तीन गोलियां चलाइया, उहदे बावजूद सिक्योरिटी ते तैनात जवानों वालों, उत्थे मौजूद SP वालों, उत्थे मौजूद थाना SHO वालों कोई जवाबी फायरिंग नहीं की गई। तो इस गल नूं लै के पंजाब दे हिंदू समाज दे विच बड़ा रोस है और इहदी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी तो जिवें उह करवा रहे ने, ये नाल असी मंग करते हैं कि उन्होंने शहीदी का उन्होंने जोड़ा सूरी है वो देश के लिए कौम के लिए लड़ते शहीद होया, उन्होंने शहीद का दर्जा दिता जाना चाहिए। उहदे परिवार को जिहड़ी बनती हुई मंग है जिवें सरकारी नौकरी है, योग सुरक्षा वो मुहैया कराई जाए। मैनू ये गल कहण दे विच कोई कोताही नहीं कि पंजाब दे विच जिहड़ा लॉ एंड आर्डर है वो पूरी तरह फेल हो गया। कल परसों भी गोलियां चलियां, अलग अलग जगह पर मर्डर हुए है भी, ये तो चलो वो पुलिस की एबसेंस गोलियां चलिया, जिहड़ी सुधीर सूरी जी का मर्डर होया वो पुलिस की प्रेजेंट च हो गया, बड़ी संख्या च पुलिस मौजूद सी। और सब तो बड़ी गल अगे जिहड़ी हो रही है सोशल मीडिया के उत्ते वख वख जिहड़े सिख आगू ने अमृतपाल समेत वो कह रहे हैं कि जिहड़ा ये कातल है इहदे नाल असीं पूरी ताकत नाल खड़े हैं, पूरी सिख कौम खड़ी है, जो बिल्कुल गलत है। इस दे नाल सिखां दी जिहड़ी छवि है बाहरले सूबों के गलत बन रही है और अमृतपाल के कारण 1980 के दहाके 1984 के दहाके असी पहुँच जाएंगे। मैनू समझ नहीं आती पंजाब सरकार अवेसली क्यों पई है, क्यों नहीं अमृतपाल का नाम सुधीर सूरी मर्डर च जोड़िया जाता जब आया और उस तो प्रेरित है। हुण पुलिस ने कहता कि 100 तो ज़्यादा जड़े सीढ़ियाँ है डाउनलोड उन्हें खालिस्तानी पक्षी किए हुए हैं और वो खालिस्तानी विचारधारा तो प्रभावित सी। और सब तो बड़ी गल अमृतपाल खुद कह रहा है कि असी पूरी तरीके दे नाल उहदे नाल आ, उहदी चरीट नहीं आएगी, पूरी सिख कौम नाल है। मैं जानना चाहता हाँ कि वह क्या सिखा का सर्वे सर्वा किवें हो गया, कोई इलैक्शन होए सी? 15 दिन पहला 20 दिन पहला वो रोडा सी, बाल कटे हुए सी, ड्राइवरी कर रहा सीगा और अज आके ते सिख कौम का रहबर बन गया। मेरे शिवसेना हिंदुस्तान वालों चेतावनी है कि जे सिख कौम के नेता चुप रहे, साइलेंट रहे और अमृतपाल इसी तरह बेवफाना हरकतां करता रहा कि पंजाब तो बाहर बहुत गम और गुस्सा बनेगा, पंजाब का हिंदू भी नाराज है, पंजाब के हिंदुओं का भविख बाहरले सिखां दे हितां दे नाल जुड़िया होया है।
सिखा के जोड़े रहबर है लीडर है उन्होंने अगे आना चाहिए और अमृतपाल के खिलाफ डटना चाहिए क्योंकि यदा यह कहना कि असी कातल के नाल बिल्कुल खड़े हैं। मतलब तुम की उदाहरण देना चाहते हो भी जो औरंगजेब ने किया वो ठीक है उन्हें भी चरखड़िया चढ़ाए आर्या नाल चीरे तत्ती तवियां ते बिठाया वो भी चाहता सीगा कि सिख फलसफा खत्म हो जाए। साडे विचारता विच मतभेद हो सकती है मेरे विचार कुछ हो सकते हैं उन्होंने विचार कुछ हो सकते हैं तो विचार च फर्क के नाल तुसीं गोलियां मार के उन्हें खत्म कर दोगे इहदा मतलब तुसीं सिख फलसफे ते नहीं औरंगजेब के फलसफे ते काम कर रहे हो। और मैं अमृतपाल नूं अज कह देना चाहना कि अगर तेरी बेगुफाना हरकतां इस तरह चलदियां रहियां तो याद रखी पंजाब का हिंदू कमजोर नहीं है। असीं जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे टाइम भी लड़े सीगे और जे जरूरत पेगी तो इस टाइम भी लड़ांगे। शहादत एक सूरी की नहीं अनेकों सूरी की शहादत हो जाएगी लेकिन पंजाब का हिंदू अमृतपाल जैसे गुंडियां दे अगे घुटने नहीं टेकेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ FIR 'ਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਰੇਆਮ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 120 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਦੰਦਨਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 295 ਇਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤਲਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਜ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਛੱਡਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਰੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਗਏ ਆ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ 2 ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾਕੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਅਸਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਕਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਰਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ।
और हुण जिहड़ा है हिंदू लीडरां नूं तुसीं जिहड़ा है डरान धमकाउण दी गल कर रहे हो। सिक्योरिटी तुसीं जिहड़ी बुलेट प्रूफ जैकटां देती हैगियां वो पा के नहीं जा सकदा बंदा, और मशहूरी करती है साडे हिंदू लीडरां ने जैकटां पा पा के वी जैकट मिल गई, वो पा ही नहीं सकदे तुसीं। उस तरह की जैकट घर ही रखी जा सकती है, पाई नहीं जा सकती। पहले तो पंजाब पुलिस जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है वो केवल खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल सिक्योरिटी हो। 17 गनमैन खड़े रखे तुसी, और वो गनमैन एक भी गोली नहीं चला सके। वो 17 गनमैन के खिलाफ इंक्वायरी हुई है, कोई सस्पेंड होया, कोई डिसमिस होया, भी जिस ड्यूटी लिए तुसी लगाया सीगा तुसी क्रॉस फायरिंग नहीं की, उन्हें फायरिंग करती, तुसी फायरिंग नहीं कर सके, तुसी उसके लत च भी गोली नहीं मार सके। यहो जी सिक्योरिटी नाल पंजाब के हिंदू लीडर किवें मूव करेंगे, की सिक्योरिटी की गारंटी? और बंदूक लैके पंजाब च दंदना रहे, इन्हां दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इंडियन कंस्टीट्यूशन के फ्रेम च कम होना चाहिए, चाहे वह पवन गुप्ता है चाहे वह अमृतपाल है। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने यह तक कहा कि परिवार को इंसाफ मिलेगा, भगवंत मान जी ने अज तक उस कतलकांड की निंदा नहीं की? क्यों मुख्यमंत्री क्यों नहीं निंदा कर रहा? ट्विटर से क्यों नहीं लिख रहा कि जगन ने हत्याकांड की मैं निंदा करना, पंजाब सरकार सख्ती नाल पेश आई? ये तो कोई बयान नहीं आया, उल्टा नीजर साहब मंत्री है कोई, उन्होंने बयान आ गया। जड़ा कोई तत्ता बोलेगा, पता नहीं धर्म के खिलाफ बोलेगा, असं गिरफ्तार वो सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। भी ले लो जी सिक्योरिटी वापस, तो थोड़ी जी हिम्मत जुटाओ अपने दिल से, जरा थोड़ी हिम्मत करो, अमृतपाल में भी हाथ पा लो। उदा तो अभी बंदूक के लाइसेंस चैक नहीं किए, कैरिंग लाइसेंस चैक नहीं किए। मैंने अमृतसर धरने के दौरान कहा कि ब्यास पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री ने भी निंदा नहीं की, दोनों बारे मैंने कहा जी, भगवंत मान बारे भी प्रधान, पर भगवंत मान की गल मैं ता कर रहा, इस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड आर्डर उन्होंने जिम्मेवारी है। इन्नी बड़ी घटना हो गई, वर्ल्ड लैवल पर जा रही है, मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा करदा, यहोजियां घटनावां असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। तो इस तो साफ जा रहा है मुख्यमंत्री जी नूं जिहड़ा है अपना वोट बैंक प्यारा है, वो जिहड़ी है इह घटनावां दे खिलाफ बोल। इस मौके ते गुप्ता ने पंजाब सरकार दे भी निशाने साधे है अते कहा कि पंजाब सरकार हर काम दे विच फेल साबित हुई है। नाल ही उन्हें कहा है कि पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल अतवाद का प्रचार खुलेआम किया जा रहा है वह भी एक चिंता का विशा बनिया हुई है, इससे सरकार कोई भी एक्शन लेंदी हुई विखाई नहीं दे रही है। D5 चैनल पंजाबी लिए पटियाला तो कमल दुआ दी रिपोर्ट। होएगी किसाना दी गल, नवी खेती मशीना, बीजा ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। पुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।